हे गाइस, वेलकम टू रेडियो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग। तो कैसे हैं आप लोग? अब अच्छे होंगे तो मैं आ गया हूँ और एक नई वीडियो के साथ हूँ वापस। अब ये इस टॉपिक पे वीडियो है कि इसमें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि गॉड तुषार ओपी हैकर है या नहीं। अब यहाँ में चिरंजीवी भी जाता है भाई, शाउट आउट जाता है रॉयल जाट भाई को भी, शाउट आउट साथ में जाता है भाई इधर बीस्ट एक्स गेमिंग को भी शाउट आउट, और भाई जाता है अर्पित पटेल को भी शाउट आउट, और आर आर थॉर गेमिंग वाइटी को भी जाता है भाई शाउट आउट, ए एस गेमिंग लाइट को भी जाता है भाई शाउट आउट, और भाई राजदीप फंडा को भी जाता है भाई शाउट आउट, और आर एक्स पी गेमिंग को भी जाता है शाउट आउट, और यहाँ पर भाई रंजित राजपूत भाई को भी जाता है भाई बहुत मतलब बहुत बड़ा शाउट आउट यार। विजय कुमार को जाता है भाई शाउट आउट, और ए आर लाइन गेमिंग को जाता है भाई शाउट आउट, यहाँ पर नाइन डबल के गेमिंग वाइटी को जाता है भाई शाउट आउट, और यहाँ में स्वेगर डी एस गेमिंग को जाता है भाई शाउट आउट, और मेंटल गेमिंग वाइटी को भी जाता है भाई शाउट आउट, और मिस्टर आसिम भाई को भी जाता है शाउट आउट। तो भाई अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी शाउट आउट मैं दूँ तो आपको सबसे पहले आके हमारे वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैंने पीछे के जितने भी कमेंट थे मैंने सारे पिक कर लिए, लेकिन अब मैं टॉप 10 कमेंट ही पढ़ने वाला हूँ अपने हर एक वीडियो के शुरुआत पे। अब मैं बता दूँ कि अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे 5 मिनट या 2-3 मिनट के, तो उसमें मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। फिलहाल जो मेरे लंबे वीडियो होने वाले या फिर कुछ गेम प्ले है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन वाला है तो उसमें मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। अब मैं बात करता हूँ कि भाई मैं बताने वाला था कि गॉड तुषारोपी हैकर है या नहीं। तो भाई हैकर के बारे में एक हैकर ही बढ़िया से बता सकता है, तो इसमें मैं बताने वाला था कि भाई एक हैकर क्या बोल रहा है उसके बारे में वो आप लोग सुन लेना। अब मैं एक हैकर के साथ खेल रहा हूँ, और भाई मैं सिर्फ इसलिए खेल रहा हूँ कि मैं उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या मतलब जो जितने भी यूट्यूबर है उसमें से कौन कौन बंदे हैकर है या नहीं है। तो मतलब मैं बस इस चीज़ की जानकारी लेना चाह रहा था, क्योंकि हैकरों को जो है ना भाई, मतलब जैसे अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको यूट्यूबर के बारे में पता रहेगा, उसी तरह हैकरों को हैकरों के बारे में पता होता है। अब हैकिंग का भाई होता है एक एप्लीकेशन, और दूसरा होता है भाई कॉन्फिग। अब कॉन्फिग एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि भाई हैकिंग पता चलता ही नहीं है, तो उस बारे में क्या बोलते हैं। चलिए चलते हैं उस गेम प्ले की तरफ जिसमें मैंने हैकर के साथ खेला था, और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा गेम प्ले उसमें क्या हुआ था। मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दिखाया है तो आप लोग बस देखना और एंजॉय करना। भाई किल तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन साला ज्यादा किल करूंगा ना 10 मिनट चिपकाएगा मेरे को, और मुझे गेम खेलना है। मन ही नहीं लगता बिना गेम खेले, और मजा भी नहीं आता। इधर बंदा है रियल। हाँ ऊपर पता है ना, मैंने बताया तो था। इधर एक ही था क्या? नहीं दो बंदा था उधर, टीम था, बट मैंने इधर यहाँ पे बंदा है। अच्छा वो तो उधर हाँ बहुत दूर है। हाँ आपकी तरफ बंदा है, बंदा है, बंदा है, इधर है, इधर, ये ऊपर, ये इधर राइट की साइड से आगे देखो ना, वो थोड़ा राइट के आगे से, मैं उधर नहीं कर सकता, मैं बस इधर से, मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन गाड़ी लेके ये आया तो रियल बंदा है। अबे साला नॉक कर दिया, सामने बंदा है। अच्छा बेटा ऊपर बंदा है एनिमी, इसमें मेरे घर के ऊपर में। अरे भाई अभी पीछे भी है, इधर भी बंदा। एनिमी डाउन, हेल्प, इसको दोनों। एनिमी, एनिमी डाउन। अरे चलो उसके 4 नंबर के पास भी था एक बंदा इधर। क्या इसमें? अरे यार ये स्कार सारे पड़ी हुई है, इसमें उठा लूँ? अबे ये स्कार कौन उठा छोड़ दो, छोड़ दो इसको, पता ही अरे नहीं। भाई दे दे, हेलो ए आर लायन दे दे भाई, 6x भी दे दे यार। थैंक यू, 6x भी देगा दे दे यार, मजा आ जाएगा। भाई 6x तो मुझे मजा नहीं आता चलाना, 3x चलाओ मजा आया। विदाउट हैक का बात बोल रहा हूँ, हैक नहीं, विदाउट हैक। हाँ हाँ 6x देता भाई हूँ, अगर देता हूँ। हैक लगा तो भाई हम लोग 8x भी यूज कर लेते हैं एमके में विदाउट रिक्वायर। 7 का, 7 का ब्रो, 7 का रख लो ठीक है। ऑटो पे एम के, ऑटो पे अटैक। हाँ भाई साहब, अच्छा ये क्या लगता है गॉड तुषार ओपी हैकर है क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि भाई कॉन्फ्यूज कर दो, क्योंकि कॉन्फ्यूज एक एक हैकर कर, मतलब बताओ तो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या?
भाई इधर आओ, यहाँ पे मतलब 5 का एमओ बहुत सारा पड़ा हुआ है और 7 का भी यहाँ पे। अरे भैया जरा बताओगे कॉन्फिग मतलब क्या? अरे कॉन्फिग फाइल होता ठीक है, उससे ना लगा लोगे ना आप। सिर्फ आता ना वो तो नहीं जाता, नॉर्मल होता है एकदम, किसी को पता नहीं चलेगा। और एमबोट होता है जैसे वो देखते हो मारता है तो उसका रिकॉइल कंट्रोल होता है इतना ज्यादा। हां रिकॉइल कंट्रोल होता है उसके बाद, कम कम मतलब कम बुलेट में बंदे। ये बंदा, एक बंदा इधर किधर? अरे मैं जाना चाहूं, जा रहा हूं इसमें, थर्ड हिल जाना चाह रहा हूं, जाओ समझ रहे हो? चल रुको रुको, थर्ड हिल जाना है मुझे। हमारा इसका बंदा होगा ना? अरे चलो ना थर्ड हिल, वहां पे ये है खिलरवा आया हुआ है, बैठो तो सही। चलो ओ भाई एक्सीलेंट वर्क। हां बंदा बंदा बंदा, रुको रुको रुको, यहीं पे यहीं पे यहीं पे नीचे नीचे जस्ट नीचे यहीं पे भाई, देखो ये सामने बंदा है भाई, बोल तोरा। रुक रुक ना, रुक ना भाई, रुक ना रुक ना, हीलिंग करने दे मुझे, हीलिंग नहीं मेरे पास, थोड़ा हीलिंग मारने दो। अरे हील तो पूरा हील है भाई, पूरा हील है, जब मेरे साथ रुको, उधर मत ले जा, मत ले जा, मत ले जा उधर भाई, मत ले जा। चल अबे यार लाया। हेलो गाइस, तब आप लोगों ने सुना होगा भाई कि हैकर क्या बोल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि जितने भी मतलब यूट्यूबर है उनमें से कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने लाइव स्ट्रीम में हैक कर रहे हैं, और वो भी कॉन्फिग के साथ। उसमें से भाई मुझे शक जो है ना भाई 100% गॉड तुषार ओपी के ऊपर जाता है, क्योंकि भाई उसका रिकॉयल आप देख सकते हो, साथ में भाई उसका मतलब डैमेज भी आप देख सकते हो कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाई डैमेज फाइल यूज करता है, और कहीं ना कहीं कुछ तो यूज करता है मेरे भाई। अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है वो आप ज़रूर बता देना। बाकी बात, मेरे पास और एक ठोस सबूत है, तो अगर आप लोगों को वो सबूत जानना है कि मेरे पास क्या है, तो फिलहाल इस वीडियो में कम से कम भाई पहुंचाओ भाई 550 लाइक पहुंचाओ, और सब्सक्राइब करके रख लेना, बाकी बात ऑल पिक कर देना। तो फिर मिलते हैं और एक नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।